brown discharge means implantation या फिर period की beginning होने वाली है या फिर ovulation time, जिन्हें इतना ही नहीं इससे कहीं और ज़्यादा मतलब होते हैं brown discharge के, और हर महिला को इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में, जहां हम बात करते हैं इजी डूएबल घरेलू टाइप के तरीकों की, जो कि साइंटिफिक है, जो कि ऑथेंटिक है और जो कि फुल प्रूफ है, आपको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है बिना मेडिसिन के। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों आता है, इसके बहुत सारे क्या कारण होते हैं और वो कितनी गंभीर चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, ये जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ब्राउन डिस्चार्ज जिन महिलाओं को पीरियड की डेट के आसपास हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज होता है, बेबी प्लानिंग कर रही है, तो हो सकता है उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो रही हो, लेकिन ना उसमें कोई क्रैम्प होगा, ना आपको कोई मरोड़ उठेगी, ना आपको पीरियड जैसा होगा, हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज होगा। तो जब बंद हो जाए तो आप यूपीटी करें, किट से टेस्ट करें और आपको अपना रिजल्ट मालूम चलेगा। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, ओव्यूलेशन के टाइम पे भी ब्राउन डिस्चार्ज महसूस हो सकता है कुछ लोगों को। तीसरी बात, जब भी महिला को पीरियड शुरू होने वाला होता है, कई महिलाओं को शुरू में हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है, एंड में एंड होने वाला होता है जब भी, तब हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज आता है। तो यहाँ तक तो हमने बात की, नो टेंशन की, कि इन तीनों चीजों में कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात कब है ब्राउन डिस्चार्ज में, कि जब आपको ब्राउन डिस्चार्ज आता है, बार बार आता है, महीने में कभी भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, उसके साथ कुछ और भी फ्लूड आता है या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है आपको निचले अंगों में, ड्राइनेस रहती है निचले अंगों में, हो सकता है कभी कभी आपको फीवर भी आता हो, आपको अपने ओव्यूलेशन के कोई सिम्टम नजर नहीं आते महीने में कभी भी, आपकी उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी है, या फिर पीरियड जो है वो ब्राउन डिस्चार्ज का रूप ले चुका है, ठीक से कोई पीरियड नहीं आता, केवल हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज होता है और बस। यहाँ आपको समझने की और आगे जो वीडियो में चीजें बताने वाली हूँ उनको फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले हम समझ लें कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज अनयूजुअल तरीके से होता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको ओव्यूलेशन का टाइम नहीं है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, तब हो सकता है आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है कि पीआईडी की प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको तो पहचानना ही मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि काफी टाइम तक वो साइलेंट होता है और धीरे धीरे जाता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक आपको इसके उपाय करते रहने पड़ते हैं, जो मेडिसिन से नहीं हो सकते, जो केवल और केवल लाइफ स्टाइल ट्रिक्स से होते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। हो सकता है कि मीनोपॉज के पूर्व ही मीनोपॉज जैसे लक्षण शरीर में आने लग गए हों, हो सकता है कि आपके पीरियड्स बिल्कुल ना आते हों, तो ऐसी कंडीशन में हम इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। अगर आप गर्भधारण की तैयारी करना चाहती हैं तो इसके लिए भी आगे इन समाधानों को समझें, और अगर आप पूर्ण स्वास्थ्य चाहती हैं तो भी इस वीडियो को आगे देखें जहां हम समाधान की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और पीरियड के पहले वाला डिस्चार्ज है, तब आपको कोई रेमेडी की टेंशन नहीं है, शरीर अपने आप में सक्षम है, हार्मोन्स अपने आप एक्ट करेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी, वहाँ आपको रेमेडी की ही जरूरत नहीं है। रेमेडी की जरूरत तब है जब यूजाइनल इन्फेक्शन है, अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, पीरियड एबसेंट है, केवल ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, तब आपको पीरियड लाने का प्रयास करना है, पीआईडी है, तब ये उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले चाय आप जरूर पीते होंगे, तो कोशिश करें अजवाइन, मेथी, तेज पत्ता या फिर रास्पबेरी टी को अपने आहार में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप लौंग का पानी ले सकते हैं, उससे भी इस चीज में आराम मिलता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन या पीआईडी वगैरह है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए डाइट में बड़े चेंजेस करने होते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। डाइट में फल और सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, जो भी चीजें भारीपन देती हैं शरीर को उनको छोड़ दीजिए, फ्लैक्सीड लीजिए, अखरोट लीजिए, आलमंड्स लीजिए, अंजीर खा सकते हैं आप, दही का नियमित सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से अपने डाइट को चेंज करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी ना केवल खाने से बढ़ती है बल्कि फिजिकल वर्कआउट से भी बढ़ती है, थोड़ा एक्सरसाइज आपको नियमित करना चाहिए, जिससे कि आप का शरीर बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सक्षम हो पाए। तो अगर पीआईडी है तो इन टी के हेल्प से लॉन्ग टाइम में आप टी को आराम से ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन चाय को आप अपने रूटीन में रखें। वजाइनल इन्फेक्शन है तो आप अजवाइन के पानी से वॉश कर सकते हैं, अजवाइन की धूनी ले सकते हैं। पीरियड्स आते ही नहीं हैं तो फिर आप कोई इंस्टेंट सिरप का फॉर्मूला ले सकते हैं, जैसे नम्या सिरप, सच्ची सहेली, एंटोटोल, ऐसे बहुत सारे सिरप के बारे में मैं बता चुकी हूँ जो कि बेस्ट है, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे उस पर डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं
कि किसको किस तरीके से आपको लेना चाहिए। तो उन सिरप को आप ले सकते हैं जिनकी पीरियड पूरी तरह एब्सेंट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन उम्र अभी बची है, गर्भ धारण करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके उनसे उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे और नियमित भी हो जाएंगे। साबुत अनाज, मोटे अनाज जो होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है, उनको अपने खाने में शामिल कीजिए। ये जो छोटे छोटे से चेंजेस हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े इफेक्ट देते हैं, कब जब आप इसको रेगुलर यूज करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज को खत्म करना, हराना नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना है और वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक या दो महीने के अंदर आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।